चलिए देखते हैं, 2 मिनट में अगर आपको जावा इंस्टॉल करना हो काली में तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस कमांड को देखिए, आपको सिंपली एप्ट मैनेजर का यूज़ करना है और डिफ़ॉल्ट जावा यूज़ करना है। सो आप सिंपली लिख सकते हैं sudo apt install default jdk और जस्ट हिट इंटर और ये अपना इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। ओके, थोड़ा सा टाइम लगेगा और ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल हो जाएगा, आपको कुछ और नहीं करना पड़ेगा। और ये जो हम कर रहे हैं इसका पहला इसके पहले एक तरीका हम देख चुके हैं इसके प्रीवियस वीडियो में कि किस तरीके से मैनुअली इंस्टॉल करना। अभी अभी हम देखेंगे ओपन JDK किस तरीके से यूज़ करना है। नेक्स्ट कमांड जो है वो है आपकी, अगर मान लीजिए आप कोई स्पेसिफिक वर्ज़न यूज़ करना चाहते हैं जावा में कि मुझे यही जावा इंस्टॉल करना, तो आप ये वाला कमांड दे दें sudo apt case search open JDK। सो आपको यहाँ पर दिखा देगा कि ओपन JDK में कितने वर्जनस है। मीन्स आप यहाँ देख सकते हैं ओपन JDK 11 है, ओपन JDK 17 है, नीचे आपको ओपन JDK 8 मिल जाएगा। सो जो भी वर्ज़न आप चाहते हैं स्पेसिफिक वर्ज़न, इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल स्पेसिफिक वर्ज़न ऑफ द JDK, सो दिस कमांड विल फाइंड फॉर यू टू एग्जैक्ट पैकेज। ओके, सो sudo आपको सिंपल इस कमांड का यूज़ करना है और इस कमांड से आप कोई भी पैकेज ले सकते हैं। और अगर आप संतुष्ट हैं ओपन JDK जो आपने कमांड दी थी डिफ़ॉल्ट से, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, और अगर अब आपको चेक करना हो कि जो आपने पैकेज इंस्टॉल किया है, ओके, यहाँ आप देख सकते हैं sudo apt case open JDK यहाँ पे दिया है और यहाँ पे पूरे वर्जन आपके सामने आ गए। और अगर आपको ये देखना है कि आपने कौन सा वर्ज़न इंस्टॉल किया हुआ है, अभी कौन सा वर्ज़न हुआ, स्पेसिफिक वर्ज़न आपका कौन सा है, तो आप ये कमांड दे दीजिए java --, और वर्ज़न, और जस्ट आप इस कमांड के बाद जैसी ही कमांड दे देंगे आप --, वर्ज़न और इंटर करेंगे, सो आप देखेंगे कि जो भी वर्ज़न आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ है काली मशीन में, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, और अगर मान लीजिए कि आप किसी, आपके पास एक से ज़्यादा वर्जन ऑलरेडी, आपके पास वर्ज़न जावा का जो था वो इंस्टॉल्ड था और आप किसी दूसरे वर्जन में स्विच करना चाहते हैं, तो आप इस कमांड को दे दीजिए sudo apt alternatives --, config java, और आप इस कमांड के बाद देखेंगे जितने भी आपके पास जावा इंस्टॉल्ड होंगे वो आपके सामने आ जाएगा और आप जिस वर्ज़न को यूज़ करना चाहते हैं, जिस स्पेसिफिक जावा के JDK वर्ज़न को यूज़ करना चाहते हैं, उसे आप नंबर वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपको ऑटो मोड चाहिए तो आप 0 सेलेक्ट कर लें, अगर आपको मैनुअल मोड चाहिए तो आप 1 सेलेक्ट कर लें। मैं इसे एज इट इज़ छोड़ रहा हूँ, जैसा मैंने चूज़ किया था सेम वैसा ही। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक्चुअली जावा की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, आपके हैकिंग में भी आपके कुछ ऐप नहीं चलते हैं तो आपको JDK प्रॉपरली इंस्टॉल होना चाहिए। सो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।